हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, हमारी बिल्डिंग में करवा चौथ सेलिब्रेशन हुआ, हम सब ने मिल के एक साथ करवा चौथ माता की पूजा की। तो चलिए देखिए, हम दिखाते हैं कि वीडियो में हमने किस तरीके से पूजा की और हमने क्या क्या किया। आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मारा हुआ देखकर पुनः
छह वर्ष तक मेरा गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में कलश की व्रत किया था उसके वचन सुनकर मेवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेक कर उसके पति को जीवित कर दिया। जब भाइयों से विदा हुए तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम साथ भाई का खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ते हैं गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में नहीं है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, बापिन हत्यारिन मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से डोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब सबकी कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट के लिए बैठ गए। जिसे दासी आई उसने उन दोनों को चौपट पातों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसे बेटा को चौथ माता सबको सुहाग करते। यही करवा चौथ की सुहाग की सनातन महिमा प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए।